नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। लगातार गिरावट के बाद ये जोन अगर आप देखेंगे, इसके पास से लगातार कंटिन्यू गैप अप के साथ स्टॉक ने हमें नए नए अपर साइड मूवमेंट्स दिखाए हैं। ये वाला गैप अप था और ये वाला गैप अप, इसके पहले आप देखेंगे तो कोई खास में मूवमेंट इतने बड़े देखने को नहीं मिले थे। वहीं अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम से, अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल है वो है 375.25 रुपीज़ के पास। वहीं अगर हम रीसेंट टाइम पर देखें तो रीसेंट टाइम पर 430 रुपये का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अराउंड 430 रुपये के पास ये सपोर्ट हमारा वर्क करेगा। वहीं आपको ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो था हमारा रेजिस्टेंस जो पहले था, वो था 444.25 रुपीज़, ये वाला। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। सो दोनों यहाँ पे तीन बार यहाँ पे सपोर्ट के पास टच हुआ है और यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस के पास। वहीं हमें इस टाइम पे हल्का सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट कंसोलिडेशन के साथ हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखेंगे जब तक स्टॉक 450 रुपीज़ को ब्रेक नहीं करता। 450 को ब्रेक करने के बाद प्रॉपर चांसेस हैं कि स्टॉक अपसाइड भागेगा और उसके जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो 470 तक भी जा सकते हैं, बट आपको न्यूज़ को भी लेकर चलना है। वहीं अगर हम बात करें स्टॉक के RSI की, तो RSI यहाँ पे आपको 62.08 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे डाउन साइड कट करने के बाद दोबारा से अपर साइड में कट बनाने लगा है। वहीं अगर हम MACD की बात करें तो MACD थोड़ा सा हमें दिखाता है कि अगर यहाँ पे आने वाले समय में ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये अगर लाइन यहाँ पे कट करती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉइंट बनेगा हमारे पास इसमें डाउन साइड का। बट प्रॉपरली अगर हम चार्ट को फॉलो करें तो चार्ट के फॉलोविंग से तो हमें यही पता चलता है कि इन द अपकमिंग टाइम अगर ये 450 रुपीज़ के लेबल्स को अच्छे से ब्रेक करता है, कैंडल पूरी बनती है, तो हम कहीं ना कहीं इसमें अपर साइड को भी ट्रैक कर सकते हैं। सो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर अपडेट।